देखो 14D क्वेश्चन नंबर 20, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी थ्रू 3,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, आपके पास दिया है, देखो लेट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एम वन। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, कुछ ऐसे है, इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 3,2 से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर, 2y = 3x + 5, कुछ ऐसा लिख दे। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो m1 * m2 क्या आ जाएगा आपके पास, -1। यहां से आपके पास स्लोप निकल जाएगा। तो आपने इस कंडीशन का यूज करना, हमने बहुत क्वेश्चन किए इस पर पहले भी। ठीक है, आ जाओ, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपके पास दी है इस 2y = 3x + 5, दैट इंप्लाइज y = 3/2 x + 5/2। इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद, क्यों कंपेयर कर रहे हैं, स्लोप निकालने के लिए। किससे करेंगे इसको कंपेयर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, दैट इंप्लाइज m1, सॉरी दिस इज m2, m2 कितना जाएगा, 3/2, क्योंकि मैंने इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप m2 माना है। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या दिया है, दिस इज फर्स्ट, ठीक है, लाइन ए बी एंड लाइन फर्स्ट आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो m1 * m2 = -1, therefore m1 * 3/2 = -1 and m1 = -2/3। तो m1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, -2/3। ओके, देखो अब मेरे पास स्लोप तो आ चुका है, अब मुझे निकालनी इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, अब ए बी लाइन 3,2 से पास कर रही है और इसका स्लोप भी आ चुका है, तो हम यहां पर स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, y - y1/x - x1, क्योंकि पॉइंट आपके पास क्या है, 3,2, विच इज इक्वल टू -2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3y - 6 = -2x + 6, तो कितना आ गया, 2x को लेफ्ट साइड पे ले आओ, 2x + 3y, इसको वहां ले जाओ, = 12 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। ये आपके पास ए बी लाइन की इक्वेशन आ रही है, फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। नाउ द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में इसको रफ कर रहा हूं। देखो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, क्या पूछ रहे हैं, ए बी मीट एक्स एक्सिस एट ए, ठीक है, ए बी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या है, 2x + 3y = 12, अभी निकाली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब बोल रहे हैं कि ए बी जो मीट कर रही है एक्स एक्सिस को ए पर, ठीक है, ठीक है, ए बी मीट एक्स एक्सिस एट ए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होंगे। देखो ये जो लाइन है, मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, मान लो ये लाइन जो है कुछ ऐसे कट कर रही है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ए बी एक्स एक्सिस को काट रही है ए पर। देखो जब ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी तो एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, एक्स एक्सिस पर पॉइंट आएगा और वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो वो मैंने मान लिया a,0। अभी जो ए पॉइंट है वो इस लाइन पर है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, कर दो सब्स्टिट्यूट, तो 2a + 3 * 0 = 12, देन 2a = 12, दैट इंप्लाइज a = 6, तो a के कोऑर्डिनेट्स अगर, दैट इंप्लाइज a के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे, 6,0। वैसे ही एंड y एक्सिस b, और ये जो है y एक्सिस को b पर काट रही है तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देंगे। ठीक है, ये लाइन y एक्सिस को काट रही है एट पॉइंट बी, तो देखो वाई एक्सिस को काट रही है तो यहां पर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दो, बी के कोऑर्डिनेट 0, बी
इसको यहां पर सब्सिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, 2 × 0 + 3 × b इज इक्वल टू 12 एंड 3b इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास b पॉइंट के कोऑर्डिनेट से देंगे 0, 4। ये चीज समझ में, a के कोऑर्डिनेट 6, 0 एंड b के कोऑर्डिनेट से आ गए 0, 4। तो ये a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब पूछा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। देखो अब देखो कैसे कट कर करी थी, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ए पॉइंट 6, 0 दिस इज 6, 0 ए पॉइंट एंड बी पॉइंट 0, 4 मे बी दिस बी पॉइंट इज 0, 4। तो मिला दो ए बी को एंड दिस इज ओ एंड ओ इज द ओरिजिन। तो आपको किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी होता क्या, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो यहां पर मैं इसलिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं कि वी नो दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर ओ ए बी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, देयरफॉर एरिया इज 1/2, बेस इज ओ ए एंड हाइट इज ओ बी। तो क्या जाएगा 1/2 OA is 6 एंड ये डिस्टेंस कितना है, ये आपके पास 6 और ये y कितना आपके पास 4, 6 × 4 2 × 3 = 6 कितना आ गया 12 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल OABD। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन भी सेम है लगभग, बोलते हैं द पॉइंट्स ए बी सी आर दिस। ठीक है, तो ए 4, 0 बी इज 2, 2 एंड सी इज 0, 6। 3 पॉइंट्स दिए हैं आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। देखो इक्वेशन ऑफ ए बी, ए और बी 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो बी यूज 2.4। y2 − y1 / x2 − x1 इज इक्वल टू y − y1 / x − x1। तो क्या आ जाएगा 2 − 2 इज इक्वल टू y / x − 4। तो −1 इज इक्वल टू y / x − 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो −x + 4 इज इक्वल टू y, और ये क्या 0 इज और 4 इज इक्वल टू क्या जाएगा x + y, और x + y इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। ये ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई। सेकेंड आपसे क्या पूछा है, बी सी की लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ बी सी क्या आ जाएगा, y2 − y1 / x2 − x1 इज इक्वल टू y − y1 / x − x1 कितना आ गया 4 − 2 इज इक्वल टू y − 2 / x − 2 2, 1, 2, 2। −2 इज इक्वल टू y − 2 / जस्ट ये अपने आप सॉल्व भी करनी है, मेन चीज थी कि निकालना कैसे, ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया है। तो −2x + 4 इज इक्वल टू y − 2 एंड 4 + 2 इज इक्वल टू 2x + y। तो मेरे पास क्या, डेट इम्प्लाइज 2x + y इज इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई, बी सी लाइन की इक्वेशन आ गई है। ओके देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इस चीज इसमें उन्होंने क्या पूछा है। नेक्स्ट इज इफ ए बी कट द वाई एक्सिस एट पी। देखो जब ए बी जो है वो वाई एक्सिस को कट करेगी तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए बी कट वाई एक्सिस एट पी, तो दैट इंप्लाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज क्या जाएंगे। देखो ए बी लाइन ये आपके पास, ठीक है, अब ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, वाई एक्सिस को कट कर रही है, मान लो ये आपके पास, तो ये वाई एक्सिस को कट कर रही है वाई एक्सिस को, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ऐसा कोऑर्डिनेट आएगा इसको। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करो और वाई की वैल्यू बी, तो एक्स
प्लस वाई इज इक्वल टू फोर इक्वेशन है, तो एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू बी इज इक्वल टू फोर, दैट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू फोर। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, 0, 4। ठीक है, सिमिलरली बी सी, बी सी कट एक्स एक्सिस एट क्यू। अब देखो बी सी जो है कोई लाइन है, मान लो ये बी सी लाइन है, ठीक है, ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट क्यू पर, ये था क्यू पॉइंट पर कट कर रही है, देखो एक्स एक्सिस पर कट कर रही है, एक्स एक्सिस पर। अगर एक्स एक्सिस पर कट कर रही है तो यहां पर एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पर जीरो। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यूज इसमें, ठीक है, तो क्या जाएगा, टू वाई, सॉरी क्या था इक्वेशन, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स था, तो ये यहां पर पुट करेंगे तो क्या जाएगा, टू ए प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्स, टू ए इज इक्वल टू सिक्स एंड ए इज इक्वल टू थ्री। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, थ्री। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे, 3, 0। यही दो चीज आपसे इन्होंने पूछी थी, तो आपने यहां पर ध्यान रखना है कि आपके पास वो अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू होगी और वाई कुछ ना कुछ तो होगी, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, कोई लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, B, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस पर जीरो होती है, ठीक है, और बी और वाई के कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हमने यहाँ पर बी मान ली। ओके।